मुगल काल में लंबे समय तक आगरा पर शासन करने वाले बादशाह शाहजहां का उर्स ताजमहल में शुरू हो गया है। उनकी मृत्यु 1666 में हुई थी। सूफीवाद में फकीरों की मृत्यु को उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। भारत के पांचवें मुगल सम्राट का उर्स हर साल ताजमहल में मनाया जाता है, जिसे उन्होंने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की मौत के बाद उनकी याद में बनवाया था। कहा जाता है कि यहीं उन्हें दफनाया भी गया था। सम्राट और उनकी पत्नी की कब्रें मकबरे के तहखाने में हैं, जिन्हें उर्स के दौरान खोल दिया जाता है। ये जो उर्स है, ये जो हिंदुस्तानी शतरंज की चादर है, किसी एक मजहब की नहीं है, किसी मुसलमान की नहीं है, किसी ईसाई की नहीं है, किसी भाई की नहीं है। ये सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के इसको चलाते हैं, और यहाँ से हिंदुस्तान से एक अच्छा मैसेज पहुँचाते हैं कि ताजमहल एक आगरा एक खूबसूरत जगह है, जहाँ पे लोग हिंदू मुसलमान का एकता का प्रतीक सबूत पहुँचाते हैं। उर्स में चादर या चादर पोशी चढ़ाने और गुसल नामक कब्रों की सफाई समेत कई कार्यक्रम होते हैं। उर्स के दौरान कवालियों का कार्यक्रम भी होता है। 3 दिन तक चलने वाले इस उर्स के दौरान ताजमहल में एंट्री फ्री रहती है।